light is electromagnetic wave and it travels with speed of c, where c is universal constant. ठीक है, light produces interference, diffraction and polarization. It is transverse wave. Why it is transverse wave? पोलराइजेशन फोनामिना सेज दैट इट इज ट्रांसवर्स. अगर ये पोलराइजेशन ट्रांसवर्स में होता है कि लॉन्गिट्यूडनल में होता है? भी होता है. पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल में भी होता है? नहीं होगा. ठीक है, इट इज ए ट्रांसवर्स वे. टू एक्सप्लेन different properties of wave, we use Huygens Fresnel theory. या हाइगेंस थ्योरी, दोनों एक ही चीज है. तो व्हाट इज हाँ नोट कर लीजिए.
हाइगेंस ने माना था कि लाइट एक सरफेस की तरह मूव करती है, जिसको वेव फ्रंट उन्होंने नाम दिया, और ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज बिहेविंग लाइक ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज वाइब्रेटिंग इन फेज। जैसे वहाँ से लाइट निकल रही है या वहाँ से लाइट निकल रही है, तो आप उसको एरो से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे और वो सरफेस आगे बढ़ेगा, उसी को वेव फ्रंट हम लोग कहते हैं। वेव फ्रंट नॉर्मली तीन तरह के हम लोग पाते हैं। पहला वेव फ्रंट आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब मिलती है? व्हेन पैरेलल लाइट इज प्रोपगेटिंग, then the wavefront front is plane, the surface i.e. wave front is perpendicular to direction of propagation। propagation के ये direction के perpendicular होता है। प्रोपोगेशन को हम लोग वेक्टर के से डिनोट करते हैं। जैसे आप ये है डायरेक्शन लाइट का, जिसमें हर बीम एक दूसरे के पैरेलल, तो सरफेस ये डायरेक्शन है वेक्टर के का। के इज प्रोपोगेशन वेक्टर, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस खींचिए, तो दिस बिकम प्लेन वेव फ्रंट। ओके, दिस बिकम प्लेन वेव। ठीक है, ओके। सेकंड है स्फेरिकल बीम फ्रंट। दिस वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम
the point source. पिन होल ले या दिस इज पॉइंट सोर्स ठीक है. तो ये प्रोपोगेशन वेक्टर है. लाइट इसे चारों डायरेक्शन में निकलेगी ठीक है. कोई ऐसा डायरेक्शन है जिसमें नहीं निकलेगी. इसके परपेंडिकुलर एक स्फेरिकल सरफेस आप खींच लीजिए. तो दिस इज स्फेरिकल वेव. दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये रेडियस है, रेडियस वेक्टर है ना. तो रेडियस वेक्टर हमेशा स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ठीक है. ओके यानी हमें दो तरह का वेव फ्रंट मिला. एक तो पैरेलल. पैरेलल का मतलब है कि रे बहुत दूर से आ रही है, जैसे सन से आ रही है अर्थ पे, तो वो पैरेलल रे है. और उसका डायरेक्शन का प्रोपोगेशन सभी का एक ही है. अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मान लीजिए ऐसे हो जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर में ये डायरेक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर में ये होगा, इसके परपेंडिकुलर में ये होगा. इस तरह से ऐसे मिला दीजिए तो दिस इज वेव फ्रंट. मतलब वेव फ्रंट हमेशा जो प्रोपोगेशन यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर ही होगा ठीक है. तो दिस इज वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट हमेशा एक सरफेस होता है जो प्रोपोगेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और जिस पे हर पॉइंट सेम फेज में वाइब्रेट करता है. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. इसके बाद एक और वेव फ्रंट आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज ए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. दिस वेव फ्रंट इज अवेलेबल फ्रॉम अ स्लिट सोर्स. जैसे ये स्लिट है ठीक है, तो यहाँ से लाइट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये सरफेस खींच लीजिए. और यहाँ से लाइट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ये सरफेस खींच लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए. तो दिस इज लाइक अ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दिस इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. This is slit. This is wave vector. मैंने इसको wave vector भी कहते हैं. This is the direction of propagation and also known as a wave vector. तो
ये नहीं समझ में, ये जैसे ये स्लिट है और वहाँ से लाइट आ रही है या यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, तो इस स्लिट से इस डायरेक्शन में भी लाइट निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन ये पूरे इस लंबाई में निकलेगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाएगी और नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक कर्व बनाएगा, उसको पूरा जोड़ दीजिएगा तो वो सिलेंडर की तरफ बिहेव करेगी। हाँ, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट इज प्रोड्यूसिंग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ओके। इसके बाद का प्रॉब्लम है कि हाउ टू गेट द नेक्स्ट वेव फ्रंट। इफ यू नो एनी वेव फ्रंट, पहला इफ वी नो एनी वेव फ्रंट देन नेक्स्ट वेव फ्रंट इज अवेलेबल एज फर्स्ट थिंग ड्रॉ अ स्फीयर सेंटर टू ईच पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेव फ्रंट विद रेडियस आर इज इक्वल टू सी इंटू टी। टी इज द टाइम टाइम आफ्टर विच वेव फ्रंट इज ड्रॉन। ठीक है, देन ड्रॉ इनवेलप ओवर ईच स्फीयर। व्हाई दिस वी टेक, बिकॉज देयर इज ए कंसेप्ट, द कंसेप्ट इज, ये मिटा दें, इट इज, ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा, इट इज बिकॉज Huygens considered that each point on wave front is working like a secondary source. ये हाइगेंस ने कहा कि हर एक वेव फ्रंट, ये उसका रूल है कि एवरी वेव फ्रंट इज वर्किंग लाइक ए सेकेंडरी सोर्स, और उस सेकेंडरी सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगी
तो आप स्फीयर ड्रा कर लेंगे और उस स्फीयर पे एक इनवेलप यानी कवर ड्रा कर लेंगे। जैसे कि ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और ये है वेव फ्रंट, तो ईच पॉइंट, हर पॉइंट के चारों तरफ एक स्फीयर आप ड्रा करें, ठीक है, और फिर एक इनवेलप ड्रा करें। तो दिस इज योर नेक्स्ट वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। द इंटेंसिटी ऑफ बैकवर्ड वेव फ्रंट इज जीरो बिकॉज आई इज इक्वल टू आई जीरो वन प्लस कॉस थीटा। थीटा हमेशा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से नापते हैं। के वेक्टर, दिस इज के वेक्टर है, इस डायरेक्शन से नापेंगे। अगर बैकवर्ड ये इनवेलप की बात करें कि इस पर भी तो आप खींच सकते हैं, खींच तो सकते हैं, लेकिन इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी बिकॉज दिस इज रीजन। साइन 180 रख दिया, अरे कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये इंटेंसिटी नहीं रहेगी। ऐसा इसलिए है कि अगर आप टार्च जलाएं तो टार्च से लाइट आगे ही निकलती है, ऐसा नहीं है कि टार्च से लाइट पीछे जाती। अगर वो पीछे जाती तो हम कहते कि बैकवर्ड इंटेंसिटी इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है, ओके। तो द मेन पॉइंट हियर इज हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट वेव फ्रंट एंड व्हाट इज द वेव फ्रंट and every point on the wave front is behaving like a secondary source, ठीक है। तो this is all about the Huygens principle, that is one of the basic rule on which we can explain interference, diffraction, polarization, every phenomenon। तो ये अच्छे से थोड़ा सा इसमें दो तीन चीज़ याद रखने की है। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज वाइब्रेटिंग एज ए सेकेंडरी सोर्स और यहाँ से लाइट निकलती है और हर डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है, ओके। इसको सब मिटा दें।
दे दे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन टू वेव्स आर propagating in medium, then they superimpose to each other and forms a third wave. This is known as अब इसमें हमने दो चीज़ें नहीं कही हैं कि वेवलेंथ क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मतलब कि सभी पॉसिबिलिटी इक्वली वैलिड है, रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। जैसे इंटर में आपने बीट पढ़ा होगा, जहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है तो सुपरपोजिशन होता है, तो एम्पलीट्यूड का वार्निंग एंड वैक्सिंग, मतलब एम्पलीट्यूड का उतार और चढ़ाव होता है, तो जब उतार और चढ़ाव होता है तो आप उसको कहते हैं बीट्स। फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो आप कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। और एम्पलीट्यूड अगर सेम होता है तो हो सकता है कि सिर्फ एक ऐसी वेव मिल जाए जिसमें एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो कहीं और थोड़ा ज़्यादा हो। एम्पलीट्यूड बराबर मिल जाए तो इंटेंसिटी कहीं ज़ीरो हो जाती है, कहीं मैक्सिमम हो जाती है। तो एवरी पॉसिबल डायरेक्शन बदल जाता है तो आपको लिसाजियस फिगर मिलता है। तो सुपरपोजिशन इज़ वैलिड इन ऑल द कंडीशन। इट इज़ नॉट दैट वेव इज़ मूविंग इन वन डायरेक्शन देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज़ वैलिड, नो। एंड व्हाई इट इज़ वैलिड, बिकॉज फोर्स इन ओसिलेटरी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लीनियर इक्वेशन है, लाइन है ना ये, तो लीनियर होने की वजह से आप सीधे सीधे जोड़ या घटा सकते हैं। अगर यही फोर्स एफ इजक्ल टू एक में के एक्स होता, वाई एक में के एक्स वाइब्रेशन होता और दूसरे में फोर्स की वैल्यू के एक्स स्क्वायर होता या k टू द पावर हाफ होता तो आप जोड़ सकते थे, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सभी तरह के वाइब्रेशन में वैलिड है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो दैट इज़ द काज वाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज सो इफेक्टिव। तो यही दो आपके पास वीपन हैं, हथियार हैं, अव्वला हथियार नहीं, ये वीपन है जो आपको कंप्लीट करेंगे थ्योरी को। सो वाई इजकल टू वाई वन प्लस वाई टू, यू कैन ऐड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि सिर्फ दो ही वेव हो। हम दो वेव अपनी आसानी के लिए लेते हैं कि बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स से छुटकारा मिल जाए, ठीक है, आसानी सब चाहते हैं, हाँ, बना बनाया खाना सबको अच्छा लगता है, अब बना के खाना पड़े तो बड़ा मेहनत लगता है, तब खाने का मन ही नहीं करेगा,
सिंपलेस्ट वे में हम लोग चलना चाहेंगे, ठीक है? ओके, नाउ द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ठीक है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। व्हाट इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट? लेट वाई वन इज इक्वल टू ए साइन, आप क्या लेना चाहते हैं? क्या रखें यहाँ पर? ओमेगा एक्स, द वेव इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। व्हाट एक्स इज सेइंग एंड व्हाट ओमेगा इज सेइंग? हाँ, ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज एक्स? नहीं, रिलेशन बिटवीन फेज एंड पाथ लैम्डा बाई एक्स इज इक्वल टू टू पाई बाई फाइव, दैट इज एक्स इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, फाइव इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। व्हाट इज एक्स? ये इक्वेशन क्या कह रहा है? ये इक्वेशन वेव इक्वेशन है, ये इक्वेशन बता क्या रहा है? ये वाई क्या है? हाँ, कोई बताओ? नहीं, वाई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। वाई का डायमेंशन क्या है? लेंथ का डायमेंशन। कौन सी पार्टिकल का? जो एक्स पॉइंट पे है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है या नहीं भाई? ये इसमें एक्स है ना, ये ओसिलेटरी सिस्टम नहीं है। ओसिलेटरी सिस्टम क्या होता है? वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी, इसमें एक्स नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट अपनी पोजीशन पे ओसिलेशन कर रहा है, उस पोजीशन को आप कुछ भी मान लीजिए। अभी अगर हम एक्स इजकल टू टू मान लें तो ये कांस्टेंट हो गया, फेज हो गया ना, के इज कांस्टेंट, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं फाइव। अगर एक्स इजकल टू जीरो मान लें तो ये इक्वेशन आ जाएगा। ये कह रहा है कि जीरो, एक्स इजकल टू जीरो पे
पॉइंट का वाइब्रेशन, ठीक है? यस या नो? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट पॉइंट एक्स व्हेन द डिस्टर्बेंस इज मूविंग विद के मैग्नीट्यूड एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड के इज ऑल्सो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ ए कॉन्स्टेंट है, कोई जरूरी है ए कॉन्स्टेंट हम रखें? नहीं, वी कैन राइट ए बाई आर। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे पार्टिकल सोर्स से दूर जा रही है उसका एम्पलीट्यूड घट रहा है। कहीं दिखता है ऐसा लाइफ में? नहीं दिखता। अब पिक्चर का गाना आ जाए तो सब दिख जाएगा, पिक्चर आ जाए सब दिख जाएगी। अच्छा, पिक्चर एक बार, एक ही बार आप लोग देखते हैं पिक्चर, तब सब डायलॉग भी याद हो जाता है, गाना भी याद हो जाता है। और एक बार अगर चैप्टर पढ़ लें तो सब भूल जाएगा, जो आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आई आज तक। वही दिमाग है, वही चीज़ें हैं, खाना भी उस समय वही खाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक पेज खोल करके पढ़ लें तो पसीना आने लगता है। वही अगर तीन पिक्चर लगातार पढ़ लें, रात भर जग करके देख लें, तब भी नहीं पसीना आता है, तब भी कहते हैं अच्छा ठीक है, एक और भी देख लेते हैं, लगा लें। स्टेट ऑफ माइंड, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज स्टेट ऑफ माइंड, दैट वेयर यू आर फोकसिंग। अगर आपका कंसंट्रेशन किताब में है तो किताब भी आपको उतनी अच्छी लगेगी। अगर आपका कंसंट्रेशन कहीं और है तो फिर कहीं और वाली चीज़ अच्छी लगेगी, किताब वाली चीज़ बुरी लगेगी। तो इट इज़ नॉट दैट यू आर वीक आर ही इज स्ट्रांग आर ही इज वीक आर शी इज़ वीक एंड सी इज़ स्ट्रांग, ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ ओनली डिफरेंस ऑफ फोकस कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है? तो ये आर क्या बता रहा है? अब बल्ब के पास अगर जाएं तो वहाँ पर बड़ी तेज लाइट और यहाँ पर लाइट कम है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे सोर्स की बात कर रहा है जो पॉइंट सोर्स है। हाँ, तालाब में भी है। हाँ, कि वहाँ पर कहीं पॉइंट पे आपने वो डाल दिया, हाँ, वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड उसका घटता चला जा रहा है। तो दिस इज लाइक दिस, तो दिस इज अ फंक्शन। और कांस्टेंट हम क्यों ले रहे हैं? कि हमें मैथमेटिकल परेशानी ना हो। तो अगर किसी पॉइंट में हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का असर देखना है तो या तो हम इसको जीरो मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, या हम जीरो ना माने तो भी दिक्कत नहीं है। ओके, तो लेट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट जीरो, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड वाई टू इज इक्वल टू ए, दिस इज बी, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है? इट इज योर विश दैट हाउ यू आर कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ पे? क्यों भाई, सब सही है? अच्छा, आप लोग बोलना नहीं जानते हैं क्या? अभी नहीं, अभी लगता है एलकेजी में आए हैं, धीरे धीरे बोलना सीखेंगे।
ये नोट कर लिया है ना फेज वाला रिलेशन? हाँ, नहीं नोट किया, बहुत काम आएगा। तो सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज इन ब्रैकेट एंड प्लस फाइव। हाँ, फेज हम अलग लिए हैं, फेज अलग लेके देखना ये चाहते हैं कि वेव जहाँ पर सुपरइम्पोज कर रही है दूसरी वेव के साथ, तो अलग अलग फेज की कंडीशन में क्या क्या हो सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट व्हाट इज़ द के वन एंड के टू आर डिफरेंट, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। बीट्स होती हैं या ये चीज़ होती हैं, या बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो व्हाट हैपन इन दैट केस, बीट्स आर फॉर, आपको कभी आवाज़ तेज सुनाई देगी, कभी आवाज़ धीरे सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन हम वो चीज़ नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि हम बीट्स के बारे में ऑलरेडी बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ चुके हैं। के वन और के टू डिफरेंट है, यानी वेवलेंथ डिफरेंट है, तो भी ये केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं और ये भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन यहाँ पर होने जा रहा है। इसलिए हम लोग कि ओनली द फेज इज डिफरेंस एंड एम्पलीट्यूड इज डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि वाइट लाइट है तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सबकी एक होगी। वाइट लाइट में अलग अलग कलर हैं एंड एवरी कलर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो व्हाट हैपन व्हेन रेड लाइट सुपर इम्पोज टू द ब्लैक अरे ब्लू लाइट, ग्रीन टू येलो लाइट, देन वी कैन यूज द डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट दिस इज सफिशियंट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है, दिस इज सफिशियंट। 4:59, थैंक यू फॉर टुडे।